Assalamu alaikum dear students, welcome to class 5 and this is your general science class 5 book which has been changed. Okay, the name of the book is New Oxford Primary Science and 3rd edition. Okay, so this book is consist of about 14 chapters. Okay, the name of first chapter is The Brain and Nerves. Okay, and here is your teacher Miss Salma Boyo from Beria Foundation College, Nosheru Froes. And the first chapter is Brain and Nerves. So let's start. What is brain and what are nerves? Okay, तो आप सबको पता है कि हम जो है क्या करते हैं, जो है कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम किसी चीज़ बस वगैरह को देख कर क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, किसी चीज़ को हम रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास क्या होते हैं, फाइव सेंसेस, यानी कि हमारे पास जब सेंसेस हो तभी हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है. तो जो पहला चैप्टर है आपका, उसका नाम क्या है, द ब्रेन एंड नर्व्स, जिसमें लिखा हुआ है कि द यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड. आप कोई बुक खोलते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. यू सी बस इज कमिंग ऑन योर रोड एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप. आपने देखा कि जो है बस मतलब आ रही है और आप क्या हो गए, उसको देख के स्टॉप हो गए, ठीक है. आपने अपने स्टॉप पे देखा और आप क्या हो गए, स्टॉप हो गए, ठीक है. यू हेयर सम म्यूजिक एंड रिकग्नाइज सॉन्ग. आपने कोई म्यूजिक सुना और आपने फौरन से रिकग्नाइज किया कि ये कौन सा सॉन्ग है, ठीक है. यू हेयर यू कैन सी थिंग्स, hear different sounds, taste foods and discover many things about the world around you. ठीक है, आप लोगों ने जो है वो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें देखी, ठीक है. आप लोगों ने क्या किए, डिफरेंट साउंड सुने, टेस्ट किए फूड, डिस्कवर की बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, ठीक है. ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास क्या होते हैं, फाइव सेंसेस होते हैं, ठीक है. यानी कि फाइव सेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है. सबसे पहला जो नंबर वन सेंस होता है वो होता है सेंस ऑफ हेयर, दूसरा होता है सेंस ऑफ साइड, तीसरा होता है सेंस ऑफ टच, चौथा होता है सेंस ऑफ स्मेल और पांचवा होता है सेंस ऑफ टेस्ट. ये टोटल फाइव सेंसेस होते हैं हमारे पास, जो कि इन सारी चीज़ों को हमें क्या करवाते हैं, महसूस करवाते हैं, ठीक है. लेकिन हमारे इन सेंसेस को भी कैसे पता चलता है कि ये कौन सी चीज़ जो है वो है, ठीक है, ये मतलब ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, ठीक है. कैसे हमारे सेंसेस जो है वो रिकग्नाइज करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन वॉइस एंड द एंड दैट ऑफ अ कार. यानी कि देखिए, एक हमारी वॉइस है और एक कार की वॉइस है. आपको पता चल जाता है कार देख के कि ये कार की वॉइस है और ये किसी इंसान की वॉइस है. ये सभी तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास जो है चैप्टर में वो हमें डिस्कस करना है ब्रेन, ठीक है. तो ब्रेन क्या होता है हमारा और ये कैसे दिखता है, ठीक है. ब्रेन जो है हमारे नर्वस सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जो कि बना हुआ होता है किसका, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का. यानी कि हमारी जो पीछे बैक होती है उसमें भी एक ब्रेन होता है, ठीक है. इन दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट इज ब्रेन एंड व्हाट इज इट लुक्स लाइक, ठीक है. सो द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर है. यानी कि हमारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है. हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, इट कंट्रोल ऑल अवर एक्टिविटीज़. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन, ओके. सो नाउ वेयर इज दिस ब्रेन इज लोकेटेड, कि ब्रेन हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी जो है जगह पे मौजूद होता है. सो इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड. ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे हेड के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है. अब ये हेड के अंदर हमारा ब्रेन क्या होता है, लोकेटेड होता है. और
यहाँ पे ब्रेन के बाहर कुछ बोन्स होते हैं, ठीक है, ये ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कल, यानी खोपड़ी होती है जो कि ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और ये खोपड़ी बनी हुई होती है किसकी, बोन्स की, ठीक है। अब हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन बॉडी, अब सबसे पहले आपको ह्यूमन बॉडी का पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी हमारी जो जिस्म है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई होती है, ट्रिलियन सेल्स, अबाउट 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में जो है वो होते हैं, ठीक है। अब सेल्स, सेल क्या है, सेल बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, ठीक है, सेल क्या है हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पूरी बनी किसकी हुई है, सेल्स की हुई है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो भी किसका बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। सो द सेल्स ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड नर्व सेल्स, ठीक है, तो ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने मसल्स की बात करें तो मसल्स बने हुए होते हैं मसल सेल्स के, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट किडनी की बात करें, हार्ट की बात करें, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। ऐसे ही हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है। तकरीबन 100 बिलियन नर्व सेल जो है वो हमारा ब्रेन बनाते हैं, कितने, 100 बिलियन सेल्स हमारा क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं। अब देखिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज इट लुक लाइक, जो कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन, ये किस तरह दिखता है, ये किस तरह का होता है, ठीक है। तो ये एक लार्ज होता है, पिंकिश ग्रे वॉलनट जिस तरह होता है ना, उस तरह होता है, पर वॉलनट से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम इसको हाथ लगा के देखें तो ये किस तरह का होता है, ये सॉफ्ट होता है, बहुत स्क्विशी होता है, और इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह देखें तो अंदर ब्रेन के अंदर इस तरह के क्या होते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, इस तरह फोल्ड्स का जो है ये ब्रेन अंदर से बिल्कुल बहुत सारे क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये अंदर ब्रेन के क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड्स हैं जिनका ब्रेन जो है ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आज का जो आपका होमवर्क है, ठीक है, वो ये है कि आप लोग जो है क्या करेंगे, डिफरेंट जो सेंसेस है, ठीक है, उनके नेम्स लिख के आएंगे और उनके फंक्शन जो हैं वो लिख के आएंगे, ठीक है। व्हाट इज योर होमवर्क, राइट डाउन नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।